महंगाई हो रही है खाने को, बच्चे घर में इतना नहीं हो तो कहाँ से पूर्ति आएगी। सरकार का पेट भर दो पहले, कैसे भी भरते है सरकार का पेट भर दो। राशन भी नहीं आता है, तेल भी नहीं देते मट्टी को, क्या करेंगे हमारा अब जी के। पब्लिक को मार दो ना तो अच्छा ही है वही। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल योजना आयोग के हलफनामे ने एक और झटका दिया है कि एक दिन में एक शहरी व्यक्ति के गुजर बसर के लिए 32 रुपए काफी हैं और ग्रामीण के लिए 26 रुपए काफी हैं। एक दिन में जो आपका 32 रुपए का, तो एक बार आदमी जब अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो 10 रुपए की टिकट लगती है और आने में 20 रुपए तो ऐसे खर्चे, बाकी 12 रुपए में आप ही बताओ कैसे करेंगे। अभी एक सब्जी लेने आता हूँ मैं यहाँ पर, 30 रुपए किलो की भिंडी है, तो अगर आधे किलो भिंडी पकाएगा तो दिन भर के बाकी खाना कैसे होगा। तो ये 32 रुपए तो बिल्कुल नाजायज है। It's not at all. Even milk costs 38 rupees per kilo. How can you imagine that they survive 38 rupees per kilo? I mean per day. एक रो दूध तो मिलेगा ही उनको, और क्या लेंगे वो? ये सब बकवास है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका लाभ छोटे कारोबारियों को भी नहीं मिल रहा, क्योंकि महंगाई ने ग्राहकों को दूर किया है। वहीं कुछ कारोबारी इसके लिए सरकार की प्लानिंग पॉलिसी को ही जिम्मेदार मानते हैं। देखो जी, महंगी सब्जी आ रही है और आधी बिकती है, आधी खराब हो जाती है जी। और क्या थे, जनता हो रही है पस्त और नेता हो रहे मस्त। ये जो महंगाई है, ये कुछ महंगाई नहीं है, सारी प्लानिंग की कमी है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे भारत में। अभी और दुगना रेट हो जाए तो अलग लग जाएंगे, ट्रकों की लाइन लग जाएगी माल की, इस कदर माल आ जाएगा। कमी है तो हमारे लीडरों की प्लानिंग की कमी है। कहीं तो पिछले साल कहीं तो गल्ला सड़ा, कहीं चीनी सड़ी, और जी क्या कह रहे हैं साहब, महंगाई जो महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। एक तरफ महंगाई को रोकने के लिए सरकार और RBI लगातार कोशिश कर रही है, वहीं सरकारी मशीनरी से ही लोगों का भरोसा अब उठने लगा है। जिस देश में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष हों, वहां जमीनी हकीकत को ध्यान में रखे बगैर योजनाएं बने तो वाकई बात चिंता करने वाली है। योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके ये साफ किया है कि जो लोग शहर में रहते हैं उनके गुजर बसर के लिए एक दिन के लिए 32 रुपए उनके लिए काफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए 26 रुपए काफ़ी है। लेकिन जब हमने दिल्ली के अलग अलग मंडियों का जायज़ा लिया जहाँ पर कि किसी भी सब्जी की कीमत 25 से 30 रुपए के बीच है, ऐसे में 32 रुपए में गुजारा करना और 26 रुपए में दिन भर का खाना खा लेना पूरी तरह से बेमानी लगती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ निमिषा, GNN न्यूज़ दिल्ली।